दोस्तों, ये यूरोप के आखिर में मौजूद एक मशहूर देश स्पेन है, जहाँ पर आज के दौर में भले ही बहुत कम मुसलमान रहते हों, लेकिन किसी दौर में ये पूरा का पूरा स्पेन ही मुसलमानों का हुआ करता था, क्योंकि इस पूरे इलाके पर मुसलमानों की एक बड़ी और ताकतवर सल्तनत कायम थी और इस इलाके को फतह किया था तारिक इब्न ज़ियाद नाम के उस मशहूर कमांडर ने, कि जिसकी गिनती इतिहास में पाए जाने वाले सबसे ताकतवर सिपहसालारों में की जाती है। आपको बताते चलें कि तारिक इब्न ज़ियाद के स्पेन को फतह करने के बाद यहाँ के मुसलमान इतने ज्यादा ताकतवर हो गए थे कि इनकी फौजें अब फ्रांस के बॉर्डर पर भी दस्तक दे चुकी थीं। इसके अलावा यहाँ के स्कॉलर और यहाँ के सूफी बुजुर्ग पूरी दुनिया के लिए आइडल माने जाते थे। साथ ही साथ इस इलाके में मुसलमानों ने जो खूबसूरत इमारतें बनवाई थीं, उन खूबसूरत इमारतों के डिजाइन को भी पूरी दुनिया में कॉपी किया जाता था। यानी हर क्षेत्र में स्पेन के मुसलमान बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रहे थे। मगर फिर धीरे धीरे जब 11वीं सदी का दौर आया तो स्पेन की सूरत पूरी तरह से बदल चुकी थी, क्योंकि आपसी अंदरूनी लड़ाइयों की वजह से अब स्पेन छोटी छोटी 20 सल्तनतों में बंट चुका था और हर सल्तनत की गद्दी पर बैठने के लिए कई कई दावेदार भी मौजूद थे, जो हर वक्त आपस ही में लड़ते रहते थे। यहाँ तक के स्पेन में कुछ अमीर तो ऐसे भी थे कि जिनकी सल्तनतों के बॉर्डर सिर्फ उनके महल तक ही मौजूद थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने आप को बादशाह, अमीर, यहाँ तक के खलीफतुल मुस्लिमीन भी कहलवाना पसंद किया करते थे। और कुछ अमीर ऐसे भी थे कि जिनकी फौजें भले ही इतनी कम थीं कि जिनको उंगलियों पर गिना जा सके, मगर उनके महल में शायर हद से ज्यादा हुआ करते थे, क्योंकि ये शायर गद्दी पर बैठने वाले बादशाह की तारीफें कर करके खूब ज्यादा इनाम हासिल किया करते थे। RH नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड्स अब स्पेन की सल्तनतों के कारखानों में हथियार बनने की बजाय मौसीकी बनने लगी थी। वो खुले मैदान के जहां पर कभी घुड़सवारी, तीरंदाजी और इस जैसे बहुत सारे खेल खेले जाते थे, अब वहां पर अय्याशियों से भरपूर महफिलें सजाई जाने लगी थीं। स्पेन की छोटी छोटी सल्तनतों के मुस्लिम हुक्मरान आपस में एक दूसरे से इतनी ज्यादा नफरत और दुश्मनी रखा करते थे कि अब उन्होंने कैस्टाइल नाम की एक सल्तनत के ईसाई बादशाह यानी अल्फोंसो को ही अपना लीडर मान लिया था और आपस में एक दूसरे से बढ़कर अल्फोंसो नाम के उस ईसाई बादशाह को टैक्स दिया करते थे। अल्फोंसो नाम का वो ईसाई हुक्मरान न सिर्फ सारी मुस्लिम सल्तनतों से एक बड़ा टैक्स लिया करता था, बल्कि अब धीरे धीरे मुस्लिम इलाकों पर कब्जा भी करने लगा था। याद रहे, अल्फोंसो की सल्तनत यानी कैस्टाइल सल्तनत अब धीरे धीरे इतनी ज्यादा ताकतवर हो गई थी कि अगर वो चाहती कि स्पेन से सारे मुसलमानों को साफ कर दिया जाए तो सिर्फ और सिर्फ उसको एक हमले की ही जरूरत बची थी। यानी सिर्फ एक फौजी हमले से ही पूरे स्पेन से मुसलमानों को खत्म किया जा सकता था। मगर याद रहे, ऐसे बुरे हालात में भी स्पेन के वो मुस्लिम स्कॉलर्स और सूफी बुजुर्ग के जो हमेशा से ही पूरी दुनिया के लिए एक आइडल माने जाते थे, वो अभी भी अपने हालत पर कायम थे और हर वक्त अपने मुल्क में बिगड़ते हुए हालात को लेकर भी परेशान रहा करते थे। मगर दोस्तों, हैरानी की बात ये है कि जिस दौर में स्पेन में मुसलमानों का वजूद धीरे धीरे खत्म होने की कगार पर पहुँच चुका था, उसी दौर में ही स्पेन की दूसरी तरफ यानी अफ्रीका में एक नई ताकत उभर रही थी और उभरती हुई इस नई ताकत का नाम था यूसुफ बिन ताशफेन। आपको बताते चलें कि यूसुफ बिन ताशफेन मुस्लिम इतिहास का एक ऐसा सिपहसालार है कि जिसने बड़ी तेजी के साथ एक बड़े इलाके को फतह किया था। अगर हम ये कहें कि आज के दौर में अफ्रीका का एक बड़ा इलाका इस सिपहसालार की वजह से ही मुसलमान है, तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि इस हुक्मरान ने अफ्रीका के अंधेरों में बड़ी तेजी के साथ अपने झंडे को लहराया था। साथ ही साथ ये हुक्मरान न सिर्फ मुस्लिम स्कॉलर्स और सूफी बुजुर्गों का बहुत ज्यादा एहतराम किया करता था, बल्कि साथ ही साथ इन सभी लोगों को बहुत सारी फैसिलिटीज भी दिया करता था, क्योंकि यही वो लोग थे कि जो जीते हुए इलाकों में जाकर आम लोगों को कुरान का दर्स दिया करते थे। इन लोगों से इंस्पायर होकर ही बहुत सारे लोग मुसलमान हुआ करते थे। वहीं दूसरी तरफ स्पेन में बैठे हुए मुस्लिम स्कॉलर्स और सूफी बुजुर्गों को जब इस बात का यकीन हो गया कि अब यहाँ के हालात को संभालना लगभग नामुमकिन हो चुका है, तो उन्होंने फौरन एक काफिला यूसुफ बिन ताशफेन की तरफ अफ्रीका रवाना किया। इस काफिले के जरिए से यूसुफ बिन ताशफेन को ये मैसेज दिया गया कि अगर जल्द से जल्द यूसुफ बिन ताशफेन अपनी फौज के साथ स्पेन में नहीं आया, तो वो दिन दूर नहीं कि जब पूरे के पूरे स्पेन से मुसलमानों का नामो निशान मिट जाएगा। ये खबर सुनते ही यूसुफ बिन ताशफेन ने फौरन तैयारी शुरू कर दी और एक छोटी सी तैयारी के बाद ही सफर के लिए निकल पड़े और वो दिन बहुत जल्द ही आ गया कि जब यूसुफ बिन ताशफेन अपनी एक फौज के साथ स्पेन के बॉर्डर पर पहुंच चुके थे।
सन 1086 में यूसुफ बिन ताशफैन की फौज का मुकाबला कैस्टाइल के बादशाह यानी अल्फोंसो की फौज से हुआ। इस जंग को जंग जलाका के नाम से जाना जाता है। ये इतिहास की सबसे खतरनाक जंगों में से एक जंग मानी जाती है। आपको बताते चलें कि इस जंग में वैसे तो कैस्टाइल की सल्तनत यूसुफ बिन ताशफैन के मुकाबले में भारी दिख रही थी, मगर कैस्टाइल का राजा अल्फोंसो यूसुफ बिन ताशफैन की स्ट्रेटेजी के सामने ना टिक सका और बहुत जल्द ही कैस्टाइल के फौजी अपना मैदान छोड़कर भागने लगे। इस जंग में कैस्टाइल के इतने ज्यादा सिपाहियों का खून बहा था कि जिसकी वजह से एक सूखा मैदान दलदल में बदल गया था, और यही वजह थी कि इस जंग को जलाका का नाम दिया गया था, क्योंकि इसका मतलब होता है फिसलता हुआ मैदान। आपको बताते चलें कि इस जंग की जीत के साथ ही स्पेन का एक बार फिर से पूरी तरह से नक्शा बदल गया था। वरना तो इतिहासकारों का ये मानना है कि अगर इस जंग में यूसुफ बिन ताशफैन की हार हो जाती तो स्पेन से मुसलमान 1092 में ही पूरी तरह से साफ हो जाते। आपको बताते चलें कि इस जंग में कैस्टाइल का बादशाह यानी अल्फोंसो खुद भी जख्मी हो गया था, इतना ज्यादा जख्मी कि उसने अपना एक पैर भी गवा दिया था। साथ ही साथ सलीबी जंगों के शुरू होने के पीछे बहुत सारी वजहों में से एक वजह इस जंग को भी माना जाता है, क्योंकि इसी जंग में हार के बाद ही गुस्से में अब ईसाइयों की छोटी छोटी सल्तनतों ने एक साथ मिलकर मुस्लिम दुनिया पर हमले करना शुरू कर दिए थे। याद रहे, सलीबी जंग उन जंगों को कहा जाता है कि जो मुस्लिम और ईसाइयों के बीच यरूशलेम यानी बैतुल मुकद्दस शहर को फतह करने की कोशिशों में लड़ी गई थी। दोस्तों, यूसुफ बिन ताशफैन तो इस जीत के बाद अब अपने इलाके यानी अफ्रीका में वापस चले गए थे, मगर स्पेन के हालात धीरे धीरे एक बार फिर से बिगड़ना शुरू हो गए थे। छोटी छोटी मुस्लिम सल्तनतों के हुक्मरानों ने एक बार फिर से अय्याशियां करना शुरू कर दी थीं। आम लोगों पर हद से ज्यादा टैक्स बढ़ा दिए गए थे, और कैस्टाइल नाम की उस सल्तनत ने एक बार फिर से सभी छोटी छोटी मुस्लिम सल्तनतों से टैक्स लेना शुरू कर दिया था, और एक बार फिर से कैस्टाइल नाम की वो सल्तनत बड़ी तेजी के साथ ताकतवर होना शुरू हो गई थी। इसी वजह से एक बार फिर से अब स्पेन में रहने वाले सूफी बुजुर्गों और मुस्लिम स्कॉलर्स ने यूसुफ बिन ताशफैन को स्पेन आने की दावत दी, मगर इस बार यूसुफ बिन ताशफैन अपनी पूरी तैयारी के साथ आए थे। इस बार यूसुफ बिन ताशफैन के पास फौज भी बहुत बड़ी थी, इसी वजह से ही इस बार उन्होंने न सिर्फ कैस्टाइल के राजा यानी अल्फोंसो को बुरी तरह से हराया, बल्कि साथ ही साथ छोटी छोटी मुस्लिम सल्तनतों के वो हुक्मरान के जो हमेशा अय्याशियों में डूबे रहते थे, उन सबको भी अरेस्ट कर लिया और सभी छोटी छोटी मुस्लिम सल्तनतों को खत्म करके स्पेन के एक बड़े इलाके पर एक ताकतवर और बड़ी मुस्लिम सल्तनत कायम की, जिस सल्तनत का नाम मुराबतैन था। आपको बताते चलें कि फिर यूसुफ बिन ताशफैन ने स्पेन के इलाके में भी वही सारी पॉलिसीज अपनाई थी कि जो वो अफ्रीका में अपनाया करते थे। यही वजह थी कि अब स्पेन का इलाका भी बड़ी तेजी के साथ तरक्की करने लगा था। आज भी स्पेन में ऐसी बहुत सारी चीजें मौजूद हैं कि जिनकी वजह से यूसुफ बिन ताशफैन को नहीं भुलाया जा सकता है, मगर अफसोस की बात यह है कि जिस इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी अपनी कौम और अपने वतन की मोहब्बत में गुजार दी थी, आज के दौर में उसकी कौम के लोग ही उसको भूल चुके हैं। शायद ही मुसलमानों में कुछ ही ऐसे बच्चे होंगे कि जो यूसुफ बिन ताशफैन का नाम जानते होंगे। इतना ही नहीं, यूसुफ बिन ताशफैन का वो मकबरा कि जो मराकेश शहर में मौजूद है, वो भी वीरान हो चुका है। उसकी ज्यादातर दीवारें गिर चुकी हैं और आसपास में कचरे और मलबे के ढेर ही मौजूद हैं। जो इंसान भी यहाँ आता है, ऐसी हालत देखकर उसके दोबारा आने का दिल भी नहीं करता है। आपको बताते चलें कि मकबरे की बिजली भी एक लंबे अरसे पहले ही काटी जा चुकी है, जिसकी वजह से रात के वक्त में ये पूरा इलाका जंगल की तरह महसूस होता है। और हैरानी की बात यह है कि मराकेश नाम के जिस शहर में इनका ये मकबरा मौजूद है, ये वो शहर है कि जिसको इन्होंने खुद ही आबाद किया था, वरना तो यहाँ पर कोई शहर हुआ ही नहीं करता था। फिलहाल आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें, बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें, और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।